हाउज़बिल्लामिनिम बसमिल्ल राय वेरी वेनरेबल व्यूअर्स वी आर टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर सेल्फ़ कॉन्सेप्ट एंड वी टू लर्न वाट इट इज़ और सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें uh, हम देखना चाहते हैं उसमें एट द ब्रॉडकास्ट लेवल इफ यू सी के इट इज़ ओवरऑल आइडिया अबाउट अवर सेल्फ हमारी एक जो कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट uh, हो रही होती है उसके बारे में हमारी अपने जो तरत हैं हमारी अपनी जो परसेप्शन डेवलप होती है आ, उसको हम कहेंगे दैट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव जजमेंट यानी हमारी सोच किस तरह से है हमारे एक्शंस किस तरह से हैं हम किस तरह से उसका इजहार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिहेवरल रिफ्लैक्ट्स और इसी तरह से इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्स uh, जो है ना वो किस तरह से हैं यानी हमारी सोच किस तरह से डेवलप होती है और हम किस तरह से उसको कंट्रोल और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं विन द परस्पेक्टिव एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और इसमें uh, हम ये भी देखते हैं कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल परिव्यू है जिसके अंदर uh, हम ये देख रहे होते हैं कि uh, अपने बारे में हम मुख्तलफ़ एंगल से एक प्रिव्यू डेवलप करते हैं यानी हाउ वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन यानी सोशली हाउ वी परसीव अदर्स बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको देखने से वी गाट एक्साइटेड बहुत चीज़ें हमें देखना पसंद नहीं है और हम किस तरह से लोगों को मिलना पसंद करते हैं और किस तरह के हालात में हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपनी इमोशनल कंडीशंस के बारे में अपनी एक रिफ्लेक्शन और ओवरव्यू uh, डेवलप करते हैं और uh, उसका एक अच्छा तरीका ये है कि हम अपने जितने जर्नल्स uh, हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो कुछ चीज़ें रिकनसाइल करते हैं और उनको हम लिखते हैं आइडियाज़ लिखते हैं पॉइंट्स की सूरत में डिस्क्रिप्शन की सूरत में या हम सोचते हैं और इवेंट्स uh, को हम बात यह है कि लाइन अप करते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो, होना शुरू हो जाती है कि हम अपने आप का एनालिसिस भी कर रहे होते हैं हम अपने बारे में एक्टिविटीज़ भी देख रहे होते हैं और अपनी जो डिफरेंट एबिलिटीज़ लाइक स्परिचुअल एबिलिटीज हाउ वी कैन थिंक एंड हाउ वी कैन इम्प्रेस अदर्स आर एज वी आर थिंकिंग एज वी आर अटरिंग वर्ड्स फॉर अदर्स एंड दे आर परसीविंगीलिंग इट गुड तो हम महसूस करते हैं कि दैट इज़ अ पावर वी हैव टू कम्युनिकेट अदर्स और इसी तरह आ, उसकी जो बॉडी कंडीशंस हैं उसको भी हम देखते हैं कि व्हाट पावर दे हैव एंड हाउ दे कैन एग्जीक्यूट देयर बॉडी एनर्जीज फॉर दी अटेनमेंट ऑफ़ डिफरेंट टास्क और इसमें किस तरह से आ, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस होते हैं यानी किस तरह से वो खाना पीना उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हों तो वो किस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं आ, किस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को खुश रख सकते हैं और जो उनके डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं विद डिफ़रेंट सिचुएशंस उसमें उनके कॉन्टैक्ट्स किस तरह से हैं वो अपने आप को सोशली यानी दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना दूसरी सिचुएशन में जाना और मुख्तलि तरह के हालात वाक़ के साथ इंटरेक्ट करना वो अपने आप को किस तरह महसूस करते हैं तो ओवरऑल एक जो पिक्चर है वो अपने सामने मौजूद होती है और इसके लिए एक परिव्यू की जरूरत यानी द पर्सन इज टू थिंक अबाउट ऑल दीज फ जिसकी नज़र में वो अपना एक इमेज डेवलप कर रहे होते हैं और इसी तरह ये जो सलाहियत है ये चाइल्डहुड और फिर यह है कि अर्ली चाइल्डहुड में इसको ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए और बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी सलाहियतों के बारे में आगे ही हासिल करें और उसके लिए हम बीइंग टीचर बीइंग पेरेंट्स उनके मददगार होते हैं उनके दोस्त भी बिलाशुबा उनकी मदद कर रहे होते हैं लेकिन वी टू परिव्यू वी टू कीप एंड आई वट देयर फ्रेंड्स आर सेम वट हाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग दैम ताकि असल सूरत से बच्चे आगाह हों अपनी असल सलाहियतों के बारे में उनको आगाही मिले और इसमें uh, ये सूरत बड़ी अहम है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब बिहेवियर बिगड़ता uh, है तो वो असल सूरत हाल के साथ उस तरह से मुतमास नहीं होता जिस तरह से वो प्रसीव वो हो रहा है या एक्ट हो रहा है तो उसके लिए यानी असल सूरत हाल मुख्तलिफ होती है कंटेक्स में रियलिटी को समझना ये बच्चे के अंदर जब सलाहियतें पैदा हो जाती हैं कि वालदे ने मुझे डांटा और वह बहुत गु़स्से में थे वो तो हमेशा गुस्से में रहेंगे ऐसा नहीं होता उससे अगर ये मालूम हो जाए कि ये गुस्सा उनके इजहार के एक जरिया है जिसके ज़रिए वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं उसके बाद बिल हकीकत वो क्या है कि वो हमारे लिए एक लविंग कॉर्नर रखते हैं वो हमारे लिए अच्छा तासुर रखते हैं इस तरह के तासुर बच्चे को और एम्पावर करते हैं और वो अपने सेल्फ़ कन्सेप्ट को एक कॉम्पैक्ट सूरत में अपने सामने रखता है और वो अपने आप को डेवलप करता है थैंक यू वेरी मच